रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ट्रेंच को निशाना बनाया। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की सेना ने रूसी ट्रेंच पर बम बरसाए हैं। सबसे लेटेस्ट वीडियो वॉर जोन का भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो संजय सोई सर, देखिए इन तस्वीरों के साथ ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि लगातार हम बात कर रहे थे मिस कैलकुलेशन एरर की, लेकिन क्या ये नेटो का और जो सबसे शक्तिशाली देश है नेटो में अमेरिका, ये उसका परफेक्ट कैलकुलेशन था कि एक तरफ वॉर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ फिनलैंड का जो सपना था, जो मिशन था, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए करुणा, अगर मैं अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं तो अमेरिका पूरी तरह से सफल हो रहा है अपने जो उनके मिशन है, जो उनकी सोच है, लंबे समय की सोच है। क्योंकि देखिए, रशिया एक तरह से ताकतवर होता जा रहा था, यूक्रेन के युद्ध में अटकाया, एक साल से ज़्यादा हो गया, रशिया इकोनॉमिकली मिलिटरली काफ़ी वीक हो गया। और दूसरी बात, फिनलैंड इसी बहाने, इसी डर की वजह से फिनलैंड आज नेटो में ज्वाइन हो गया। 31 देश हो चुके हैं अभी नेटो के, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है और फिनलैंड खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। फिनलैंड ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा फायदा नेटो को। आपको नहीं लगता सर ये एक तरह से रशिया की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाना चाहिए और ये अमेरिका की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि रशिया के खिलाफ एक एक देशों को वो उकसा रहा है, नेटो की सदस्यता दिला रहा है और रशिया को घेरता जा रहा है, ये एक बड़ी जीत है अमेरिका की? नहीं, बिल्कुल विपिन, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि एक स्टेज ये आ गई अभी कि रशिया जब विभाजन हुआ था उसका काफी वीक हो गया था, लेकिन पुतिन ने अपना सपना कुछ अपनी डिटर्मिनेशन के द्वारा एक खतरा बनता जा रहा था मिडिल ईस्ट में और बाकी जगह, रशिया की इंटरफेरेंस काफ़ी थी, अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। तो अमेरिका ने विश्व में लीडर बने रहने के लिए ये जरूरी समझा कि रशिया को वापस वीक किया जाए, और अगर रशिया और चाइना मिल जाते तो अमेरिका के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा होता। तो यूक्रेन युद्ध में अटकाया, बाकी यूरोप में जो नेटो में भी थोड़ा विभाजन हो रहे थे वो इकट्ठे हो गए अभी, और अमेरिका से आज हथियार खरीद रहे हैं, अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ गई है यूरोप के अंदर, फिनलैंड ज्वाइन कर गया, स्वीडन मांग कर रहा है अभी टर्की की अप्रूवल की वेटेज है। तो ये सब चीज जो है एक बहुत बड़ी सफलता देखा जाएगा। बड़ी बात आप अगर अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू है, और नेटो में जो इससे पहले विभाजन देखा जा रहा था, इस फैसले के बाद एक यूनिटी देखी जा रही है।